What is the cue card? The cue card is describe a time when you insulted your teacher. अब वो इसमें ambiguous है, इसमें known नहीं है intentionally या unintentionally, deliberately और not deliberately, जानबूझकर, अनजाने में जो भी है आप उसमें कर सकते हैं। और आपको वो कह रहे हैं describe what happened, क्या हुआ था? एंड वेयर इट है कहा हुआ मार्केट में हुआ क्लासरूम में हुआ कहा हुआ एंड आपने हाउ यू सॉल्व इट हाउ यू फेल्ट अबाउट तो मैं आपको पहले एक स्टोरी बता देती हूँ कि किस हिसाब से मैंने ये क्यू कार्ड बनाया है सी आई एम एन एक्स साइल्स एग्जामिनर एंड आई विल गिव यू जेन्यून गाइडेंस एग्जामिनर से आपको ये गाइडेंस आ रहा है एंड प्लीज नोट डाउन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं देखिए जब आप मेरे आ रहे हैं इस चैनल पर इफ यूर न्यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो बाद में भी फोन भी करते हैं वो लोग क्या करते हैं कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं और बिफोर द एग्जाम आप जरूर जो स्पीकिंग वीडियोज मेरी हैं क्यू कार्ड की आप जरूर सुने क्योंकि एट टू नाइन बैंड्स उसमें है वोकेबलरी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है एंड इवन इधर मैं ईडियम यूज़ कर रही हूँ मैं वोकेबलरी यूज़ कर रही हूँ वो एट प्लस की है आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे के सारे रट लो जो आपको ईजी लगता है आप उसको लीजिए उसको पिकआउट करो और उसको यूज करो ठीक है इस तरह से आप करेंगे अब स्टोरी मैंने ये बनाई है कि क्लास में ऐसा माहौल बन गया कि ये डिबेट हो रहा था अब क्या डिबेट हो रहा था डिबेट ये हो रहा था कि पूजा कैसे करनी चाहिए है ना वर्शिप कैसे करना चाहिए प्रेयर कैसे करना चाहिए हमको हेड कवर करना चाहिए हमको बैठना चाहिए आई मीन वी शुड स्टैंड और हाउ यू शुड डू योर प्रेयर्स और हमारे क्लास में बहुत सारे लोग थे टीचर भी दूसरे कल्चर की थी विच एवर क्योंकि मेरे तो आप पूरे वर्ल्ड में आप ये सुनते हो या आई मीन दिस वीडियो तो एक्सटेम्पो करती हूँ बेटा कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती है इसलिए कभी देर कुड बी अ स्लिप ऑफ टंग एंड अनएडिटेड करती हूँ ताकि नेचुरल लगे आपको आपको लगे कि कोई पढ़ा रहा है आपको ये नहीं कि भाई रटा रटाया करके मैं कर दूंगी एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपरली तो फिर क्या हुआ आपके मुंह से कोई ऐसा कॉलिक्वल कॉलिक्वल क्या होता है एकदम से जो आपके ए, मतलब अनजाने में इनफॉर्मल इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज कॉलिक्वल है ना अनजाने में इन एडवर्टली है ना अनजाने में निकल गया मुंह से ऐसा वर्ड और मेरे को रियलाइज किया कि मैंने तो ये बहुत गलत कर दिया है तो फिर मैंने टीचर को अपोलोजाइज किया अब इसमें मैंने ईडियम्स भी डाल दिए हैं मैंने नई वकैब भी डाल रही है आपने क्या करना है अभी नोटबुक ले लो या तो सेव कर लो अगर नए हो एंड यू कैन यूज दिस कहीं पे भी वकैबलरी ये नहीं कि यही क्यों कार्ड है आप जब समझ जाएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में है तो आप ये यूज कर सकते हैं मेरे चैनल में तो पीपल दोज दोजू हैव ऑलरेडी गिवन दे एग्जाम्स और कई जो स्पीकिंग टेस्ट लेता है कोई टॉफिल लेता है कोई सेल्प लेता है कोई कोई लेता है यू नो दे ऑल आर हेयर नॉट ओनली द आइल्स बट हाँ इन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये क्यू कार्ड दे रही हूं ऑल पीपल इफ यू वॉन्ट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग ऑल्सो इवन देन यू कैन फॉलो माई चैनल बिकॉज वोकैबलरी प्रॉपरली एक्सप्लेन होती है जैसे टीचर uh, करते हैं एक्साइज एग्जामिन सो यू शुड नो दैट इट्स जैनल नो लेट्स डाइव इन टू द क्यू कार्ड ताकि आपको समझ नाउ वॉट हैपन्ड है ना फर्स्ट ये हम एड्रेस करेंगे बुलेट पॉइंट वन इंसिडेंट दैट स्टैंड आउट इन माई मेमरी इज ये ये जो है ना वन इंसिडेंट दैट स्टैंड आउट इन माई मेमरी किसी भी क्यू गार्ड में यूज करो इज वेन आई अन इंटेंशनली इंसल्टेड माई टीचर ड्यूरिंग अस रूम डिस्कशन डिस्कशन हो रहा था वी वर इंगेज इंगेज वर्ड इन अ डिबेट अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग थे मेरे क्लासरूम में एंड इमोशंस वर रनिंग हाई सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कोई कुछ बोल रहा था इमोशंस वर रनिंग हाई नोट करो इट वॉज समथिंग रिलेटेड पता नहीं कुछ याद नहीं है इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू कवरिंग आर हेड एंड रिलेटेड कि भी खड़े होना चाहिए बैठना चाहिए टू द पॉस्चर उसको कहते हैं पॉस्चर वाई ऑफरिंग प्रेयर्स डूइंग प्रेयर्स नहीं बोलना बेटे ऑफरिंग प्रेयर्स अब कहां हुआ है ना वेयर इट हैपन्ड दिस इंसिडेंट टूक प्लेस इन माई हाई स्कूल इंग्लिश क्लास अब आप थोड़ा क्लास रूम के बारे में डिस्क्राइब करें बड़ा ये जिसको कहते हैं अनकॉमन वर्ड है क्रूसिबल है ना द क्लास रूम एक क्रूसिबल है एक कंटेनर है एक्चुअली तो क्रूसिबल में ना आप वो सारा आयरन uh, पीसेस डाल के उसको हीट करते हो और आयरन बनाते हो सो द्लास रूम इज अ क्रूसिबल नाइन बैंड वर्ड ऑफ डाइवर्स डाइवर्स मीन्स वाइड रेंज अगेन एट पॉइंट फाइव वर्ड प्रिस्पेक्टिव प्रिस्पेक्टिव मीन्स सोचने का तरीका अगेन एट एट पॉइंट फाइव माइंड सेट कह सकते हो ऑफ डाइवर्स माइंड सेट ओपिनियन कहोगे तो सिक्स बैंड होगा वो वॉज अ माइक्रो ये सुनो चंग अच्छी से माइक्रोकॉजम 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 दैट मीन्स एक पिक्चर है सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का नाइन बैंड वर्ड इट्स अ पिक्चर इट्स अ माइक्रोकॉजम ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी वी लिव इन सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सो हाउ इट हैपन कैसे हुआ इन द हीट ऑफ द डिबेट वेरी गुड इनफॉर्मल वर्ड मतलब एकदम मतलब पता ही नहीं लगा है ना इन एडवर्टली अनजाने में इन एडवर्टिबली और आप कह रहे हो आप ये भी कह सकते हो अन इंटेंशनली नॉट डेलीबरेटली यूज अ कॉलिक्वल एक्सप्रेशन एक मैंने एक्सप्रेशन इन द हीट ऑफ द मोमेंट इन हा इन द हीट ऑफ द मोमेंट भी कह सकते हो इन द हीट ऑफ द डिबेट अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया अ कॉलिकल एक्सप्रेशन दैट प्रूव टू बी ऑफेंसिव उसको अच्छा नहीं लगा टीचर को टू द टीचर्स कल्चरल बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड अब जो भी था वो आप इन्वेंट करें वो कोरिया से था वो बांग्लादेश से था वो, वो, वो कहाँ से भी था टीचर आपका यू नो एंड यू नो एक्चुअली यू नो आई हैड पुट माई फुट इन माई माउथ दैट मीन्स मैं ज्यादा बोल गया था है ना आई हैड पुट माई फुट इन माई माउथ एज माई वर्ड्स जो मेरे वर्ड्स थे उससे क्या हुआ इट कॉज अलिएबल मीन्स क्लियर एपरेंट स्पष्ट टेंशन हो गई अब अब क्लियर बोलोगे तो फाइव बैंड बैंडरेंट बोलोगे तो सिक्स पॉइंट फाइव बैंड पेलपेटेबल बोलोगे पेल पेलेबल पी ए एल पी ए बी एल ई पेलेबल ओके इन द हीट ऑफ द मोमेंट ये हो गया और इन द हीट ऑफ द डिबेट ये सारे नाइन बैंड्स हैं एंड As an examiner, I'm telling you the bands. So, how did you solve it? Ab aapne kya story Realising the impact, ab effect nahi main bol rahi impact, na? seven band, of my words, I immediately apologise to the teacher after class. Ha, na? I try to clear the air. Clear the air. Idiom. इन बैंडस इन मीन्स मैंने उसको हैड ऑन आई एड्रेस द इशू हेड ऑन एक्सटेम्पो है तो अगेन एड्रेसिंग द इशू हेड ऑन इज एट पॉइंट फाइव बैंड एंड टेलिंग द बैंड आई एन एग्जामिनर आई टुक द इनिशियेटिव देन आई ट्राई टू क्लियर दू नो एयर और मिस अंडरस्टैंडिंग फिर मैंने किया किया आई टुक द इनिशियटिव मैंने इनिशियेटिव लिया टू एजुकेट माई सेल्फ कि मैं अपने आप को एजुकेट तो करूं मेरी टीचर दूसरे कल्चर की है अबाउट द कल्चरल सेंसिटिविटीज है ना जो कल्चरली सेंसिटिव होता है एंड एंगेज इन अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग टू रेक्टिफाई माई मिसअंडरस्टैंडिंग तो मैंने एक उससे एक कंस्ट्रक्टिव मीन्स Uh, जिससे आपको रिजल्ट्स मिले ये नहीं कि इधर उधर से मैंने टीचर की से बात की मैंने बड़ा आराम से उससे बात की डायलॉग मीन्स कॉन्वर्जेशन ऑल्सो ओके एंड देन यू नो देन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आई फेल्ट अ पैंग ऑफ रिग्रेट पैंग ऑफ रिग्रेट बड़ा अच्छा वर्ड है एंड एम्बेरसमेंट मेरे को बहुत शर्मिंदगी हुई है ना एज आई हैड अनइंटेंशली हर्ट सम वन आई रिस्पेक्टेड है ना मैं उनकी रिस्पेक्ट तो बहुत करता था या करती थी हा एवर अब द इंसिडेंट बिकेम अ कैटलिस्ट मीन्स इससे एक्सलरेट हुआ कोई चीज को बढ़ावा मिलता है दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट साइंस का वर्ड है फॉर पर्सनल ग्रोथ मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी इस इंसिडेंट से एक इट एक्टेड एज अ मतलब इनिशिएशन एक रिएक्शन जो कंस्ट्रक्टिव हो दैट इज कॉल कैटलिस्ट साइंस का वर्ड है एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस वहाँ पे कल्चरल सेंसिटिविटी या कल्चरल अवेयरनेस देखो ये आप टू में भी लिख सकते हैं दीज वर्ड्स एंड माइंडफुल कम्युनिकेशन माइंडफुल मीन्स ध्यान से हमको कम्युनिकेट करना चाहिए इसका मेरे को मतलब इंपॉर्टेंस पता चला एंड ये कैटलिस्ट प्रूव हुआ देन अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगेन अ कनेक्टर द एक्सपीरियंस टॉट मी वैल्यूएबल लेसन अबाउट द पार ऑफ वर्ड्स वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं एंड द necessity ऑफ कल्टिवेटिंग मीन्स अपने आप में फॉस्टर करना अपने आप में एक चीज लाना कल्टिवेट करना ग्रो करना एक्चुअली कल्टिवेट इज ग्रो पर यहाँ पे हम अनकॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं एंड दे फोर वी विल गेट एट प्लस बैंड्स कोई भी आप यूज कर लोगे इसमें वर्ड्स आपको सेवन तो मिलेंगे मिलेंगे ओके अ रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव डिकोर्स डिस्कोर्स इज सीरियस डिस्कशन ये नहीं कि इधर उधर की मार मार रहे हो आप सो so, पावरफुल uh, मतलब वर्ड्स बड़े पावरफुल होते हैं एंड हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए माइंडफुल होना चाहिए जब हम कोई डिस्कोर्स या हम कोई ऐसे कम्युनिकेशन सीरियस कम्युनिकेशन करते हैं जो इधर हुआ था दिस इंसिडेंट सर्वड एज अ रिमाइंडर ऑफ द डाइवर्स टेपेस्ट्री नाउ टेपेस्ट्री मेटाफर है ये नाइन बैंड ऑफ इंडिया टेपेस्ट्री वैसे तो होता है कर्टन ये सोफा कवर्स एंड ऑल पर यहां पे हमने कैसे यूज किया फॉर द इनवायरमेंट एग्जामिनर विल बी इंप्रेस्ड टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया मीन्स डाइवर्स कल्चर की जगह आप टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया यूज करें वेरी गुड नाइन बैंड वेयर अंडरस्टैंडिंग एन एप्रिशिएटिंग डिफरेंसिस इज पैरामाउंट पैरामाउंट मीन्स जरूरी है इम्पॉर्टेंट है फॉर हारमोनीयस फॉर यू नो काम एग्जिस्टेंस ऐसे कुछ नहीं हम हारमोनीयस यूज कर रहे हैं एट बैंड को एग्जिस्टेंस एनवायरमेंट की जगह हम को एग्जिस्टेंस यहाँ यूज किया है देखिए मैं आपको कंपेयर करके भी एज एग्जामिनर बता रही हूँ So, the words which I have used here is, you know, uh, like I have used cultivate, discourse, then I have used, uh, you know, harmonious, I have used uh, put the, uh, you know, put the foot in your mouth, clear the air, then tapestry, to very good word you know, like that. And then I have also used microcosm. दैट इज ऑल्सो व वेरी गुड वर्ड बेटा सारे ये ट्यूब यूट्यूब चैनल में क्यू कार्ड्स भरे पड़े हैं टास्क टू टास्क वन का वोकेबलरी भरा पड़ा है आप उसको यूज करें एंड नोट डाउन डोंट वेस्ट योर टाइम आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम बाई मेकिंग सच वीडियोज जिसको आपको बोलूँ अरे ये करो तो आपको नाइन बैंड आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है प्लीज आप वर्क हार्ड करें ऑल द बेस्ट From an exiles examiner directly to you. So if you want my coaching, the number is here. And if you want evaluation, even the number is there and materials are also available. So beta, please subscribe and like my channel. It is all extempo. God bless you all.